गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट रीड कर लिया है और आज हम पास्ट सिंपल टेंस की शुरुआत करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? यह टेंस भूतकाल की सूचना देता है, मतलब जो यह काम किसकी सूचना देता है? भूतकाल की, कि काम जो हुआ है वो भूतकाल में हुआ है। और यह टेंस कार्य की पूर्व समाप्ति का सूचक है कि कार्य जो है वो भूतकाल में ही समाप्त हो गया था। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जबकि कार्य के साथ साथ समय भी समाप्त हो जाता है। कार्य के साथ साथ समय भी समाप्त हो जाता है, जैसे वह जयपुर गया, वह कल जयपुर गया। कल इस वाक्य में जयपुर जाने का कार्य व कल दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, मतलब जयपुर चला भी गया और जो कल था वो भी समाप्त हो चुका है। तो यह सिंपल पास्ट टेंस है। यह आपको ध्यान रखना है, समझना है कि सिंपल पास्ट कैसे होता है, कि वो कार्य और समय दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसकी पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या ये यी ली दी ये थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में पास्ट टेंस सूचक एडवर्ब जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, वन डे, वंस, अगो, ऑन संडे, ऑन मंडे, इन अप्रैल, इन जुलाई, इन 1985, इन 2005 आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इनके माध्यम से वाक्य में वर्ब फॉर्म का निर्धारण सरलता से किया जा सकता है। जैसे इसका फर्स्ट रूल हम देखेंगे, नियम, इस टेंस में सभी कर्ताओं जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे सिंगुलर व प्लूरल, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सारे कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका सेंटेंस देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जांपल्स, मैंने निबंध लिखा, आई सेकंड फॉर्म राइट की रोट एन एसे, आई रोट एन एसे, तुमने शोर मचाया, यू मेड ए नॉइस, वह स्कूल जाता था, ही जाने की गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू दिल्ली, कल वर्षा हुई, इट रेंड यस्टरडे, रेन सेकंड फॉर्म हो गई, वे बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट, वे बाजार गए। उसके साथ हम इसका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ डिडनोट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था और नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैंने फुटबॉल नहीं खेला, I did not play football, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तुम बाजार नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, हरी ने एक कहानी
नहीं लिखी। हरी डिड नॉट राइट ए स्टोरी। प्रिया ने एक गाना नहीं गाया। प्रिया डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया था। द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे।